तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वीआर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो आज दोबारा से जो आपका निफ्टी 50 है, ऑलमोस्ट 815 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिलती है, और साथ में जो सेंसेक्स है वो भी बहुत पूरी तरीके से 3000 पॉइंट गिरा है। तो दोस्तों, मैं यही बोलूंगा एज अ रिटेल, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट अपनी जो कैपिटल है वो बचा के रखनी है। ठीक है, डे ट्रेडिंग में अभी पंगे मत लेना, और हो सके देखो, अब वर्ल्ड वॉर अगर हो जाती है तो यही बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा मत डालना। ठीक है, अपने अकाउंट में रखना, जितना रख सकते हो उतना ही सेफ रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है बाय करने की कि स्टॉक की, तो अभी भी बाय मत करना जब तक निफ्टी 15000 के लेवल्स नहीं आ जाती। उससे पहले तो बाय बिल्कुल नहीं करना निफ्टी में, मतलब ओवरऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 15000 का सपोर्ट है, कि कल भी गैप डाउन खुल सकता है, और साथ में सैटरडे संडे आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा अगर हो जाता है सैटरडे संडे को, तो मंडे का तो सीधा स्लोअर सर्किट लगेगा जैसे 2020 में लगा था। ठीक है, तो जिनको 2020 के बारे में नहीं पता है वो अब देख लो कि कैसे मार्केट पत्तों की तरह गिरती है, ताश के पत्तों की तरह। ठीक है, तो यही बोलूंगा, देखो जो अभी सिचुएशन है अभी कंट्रोल पे तो नहीं आ रही है, और शायद आएगी भी नहीं। राइट, अभी लेटेस्ट न्यूज क्या आ रही है वो देख लेते हैं एक बार। देख सकते हैं वही है, 40 किल्ड इन अटैक ऑन यूक्रेन, लगातार ये बैड खबरें आने में लगी है। और मैं यही बोलूंगा, अगर सिचुएशन काफी कंट्रोल में नहीं है तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों, आप अपना कैपिटल और पैसा बचा के रखो, बस सिंपल सी बात है। और बाकी जो स्टॉक्स के वीडियो होंगे वो शाम तक मैं आपको लेके आ जाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। राइट, बाकी आप नीचे अपना कमेंट कर सकते हो कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। राइट, क्योंकि देखो अगर ये अगर चार्ट पैटर्न की बात करते, अगर आप साइकोलॉजी समझो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि मार्केट कहां तक जा सकती है, साथ में आपको किस प्रकार के स्टॉक्स के वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर देना। अब मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी का गेम समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो यार, पर्सनली मेरे जो रिलेटिव्स हैं, बहुत लोगों ने ना जब कोविड आया था तो किसी ने 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया होगा। ठीक है, जब मार्केट लगातार हाई रेज का फॉर्मेशन कर रहा था, तो 2021 के बिगनिंग और 2022 के, ठीक है, मतलब 21 का अंत जो था, 22 की शुरुआत तो नहीं बोलूंगा, 21 का जो लास्ट कुछ समय था, मांग के चलो दिवाली का टाइम, उस समय बहुत हैवी बाइंग की गई है किसके द्वारा, रिटेल के द्वारा। अब कैसे पता चला जाता है, देखो बहुत सिंपल है, अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखते हो, ये जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, ये 6 महीने का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये पूरी रेंज 6 महीने की रेंज है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया माल। अब आपको क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल है, जितना नीचे गिरेगा आपको स्टॉक्स को बाय करना, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक आपने बाय करे हुए। अच्छे का मतलब आप देख लो आपने कौन सा किया है, अगर आपने आइडिया यंग बैंक वाले शेयर बाय कर रखे हैं तो डेफिनेटली वहां पर तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। ठीक है, और जैसे मान के चलो मैंने खुद आज एक दो स्टॉप लॉस लिए, एनएफएल का हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, तो मैंने भी एक स्टॉप लॉस कट किया है। भाई स्टॉप लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लो बढ़िया है, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसे मान के चलो केनार कंस्ट्रक्शन है, अगर ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है तो उसको एकुमुलेट करो। ठीक है, क्योंकि देखो भाई कोविड के बाद बहुत सारे अच्छे अकाउंट खुलवाए गए रिटेल के द्वारा, तो रिटेल को देखो एक आम मार्केट में बड़े लोग ही पैसा कमाते हैं, इतना तो आप समझ लो। अगर आपसे उनसे उनको आपको बीट करना है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक है पैसा, ठीक है, वो हमारे पास है नहीं, ठीक है, एक है नॉलेज, और नॉलेज के साथ बहुत एक तगड़ी वाली स्किल चाहिए। ठीक है, तगड़ी वाली का मतलब बहुत तगड़ी वाली, अगर इसके ऊपर काम तो हम नहीं कर सकते मनी के ऊपर, भैया तक पैसा कहाँ से लेके आएंगे, तो स्किल के ऊपर काम करो। ठीक है, मार्केट से आउट नहीं होना है, बहुत लोगों को मुझे पता लॉस हुआ होगा, तो मार्केट से आउट नहीं होना है, बस चुपचाप अपने स्किल के ऊपर काम करते जाओ, मतलब नॉलेज बढ़ाते जाओ और थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते जाओ, जो भी आपको करना है। ठीक है, इट कुड बी 500 100 रुपये जो भी है, ठीक है, ये थोड़ा ना कि 1 लाख से स्टार्ट करना है, 1000 से स्टार्ट करो, देखो कि क्या हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक मार्केट के क्रैश है, बिगेस्ट क्रैश बोला जाता है हिस्ट्री में, 1929 काफी बड़ा ही क्रैश था, फिर 1987 का ब्लैक मंडे क्रैश आया था, फिर 1999 में .com बबल आया था, और 8 का आप सभी को पता होगा, और 20 का तो सभी जानते हैं, और अभी 2022 का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, डाउ का वाला चार्ट खुला हुआ है, जो भी क्रैश क्रैश आता है उसके बाद
2 गुना 3 गुना मार्केट वहां से रिकवर करती है, वो आपने एग्जाम्पल 2020 में देख लिया होगा। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, क्या करना है, अच्छे स्टॉक्स में राइट समय में बाय करना है। अभी पूरा आपको बाय नहीं करना है, अभी बिल्कुल तो बाय करना ही नहीं है, 15,000 से पहले तो बाय करना ही नहीं है। 15,000 छोड़ो, अगर समहाउ निफ्टी आपको जो ऑल टाइम हाई था जब मार्केट क्रैश हुई थी 2020 में, उसका जो हाई देखो ये है, वो निकल के आता है 12,000 का लेवल, तो 12,000 के लेवल से आप बाइंग करना स्टार्ट करना, उससे पहले तो मत करना। ठीक है, कोई भी आपको बोले कि बॉटम बन गया है बाय कर लो बाय कर लो, मत करना। ठीक है, अगर आप बाय करोगे भी ना किसी स्टॉक पे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहा, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब अगर स्टॉप लॉस के साथ करना। मान चलो अगर आपने टाटा मोटर बाय किया, ठीक है, 400 रुपये में, वो 450 हो गया तो एग्जिट कर देना और 380 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेना, स्टॉप लॉस के साथ करना जो भी करोगे। ठीक है, अगर आपको बाय करने की ज्यादा चुल मची होगी तो ठीक है, लेकिन 12,000 और 15,000 के लेवल से पहले निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनमें एकुमुलेट करना मत करना स्टार्ट। जो भी आपको बोले बॉटम हो गया, बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन है। ठीक है, हमें नहीं पता कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, लेकिन जो चांसेस है मार्केट यहाँ से डीप करेक्शन कर सकती थी, है और करती रहेगी, ये फ्यूचर में भी होगा, और मार्केट डेफिनेटली यहाँ से बाउंस बैक करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, नए हाई बनाएगी। क्योंकि देखो जो चीज ऊपर जाती है नीचे आना तय है, और जो चीज नीचे जाएगी ऊपर उसको ऊपर भी जाना ही है हमेशा। ठीक है, मार्केट का मतलब समझ लो कि अगर आप निफ्टी में पैसा डाल रहे हो, निफ्टी के ETF में, तो आप इंडिया में पैसा डाल रहे हो, तो इंडिया का भी खत्म नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है अपनी कंट्रीज खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये समझ लो कि हाँ पैसा आपने डाल तो दिया है, यहाँ पर रिस्क तो होता ही आपको पता है, लेकिन आपको एक अच्छे प्राइस का इंतजार करना है। अब वो प्राइस के लिए आपको चार्ट पैटर्न को फॉलो करो, या आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉक होगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हो मेरा व्यू, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसको अपना व्यू शेयर कर दूंगा कि इसमें आप ये कर सकते हो। तो खत्म करता हूँ वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।